माहौल क्या है चुनाव का? नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे, हम जान रहे हैं ना, हम क्यों नहीं बोल पाएंगे। अरे यार, ताली क्यों बजाते हो? रैली है क्या यार? लाइव रिकॉर्ड करो, आज लेट हो गया थोड़ा यार, लाइव रिकॉर्ड करो। हाँ, 1 2 3 लाइव। आपका मेकअप वाला तो दिखाई नहीं मुझे। अब हमारे पे मेकअप हो के भी क्या करेंगे। चिदम्बरम साहब निकले, अच्छा गेट नंबर 4 पे थे आप। मैं अकेला रिपोर्टर था, उन्होंने बोला व्हाट्स द प्रॉब्लम, कुछ यूट्यूबर हैं तो वो लिखते हैं मोदी साहब की हवा हुई खराब, पांचवें चरण में हिल गया पत्ता, हिल गया साफ। हमें हिंदुस्तान का आदमी कंफ्यूजन में है, अमेरिका वालों को खुद ही नहीं पता कि अगले इलेक्शन में वहां कौन प्रेसिडेंट होगा। बड़े बड़े चैनल एक एक घंटा इस पे चलाते थे कि बिना ड्राइवर की गाड़ी कैसे चल रही है, बाद में वो दिखाते थे कि ड्राइवर लेट के गाड़ी चला रहा है। वो बोले 5200 की नौकरी के लिए 6500 के जहाज से तुम जा रहे हो। उनको लगा कैसा लड़का है, कोऑपरेट करने के लिए क्या करें, नाचने लगे। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़े। देखिए भाई, पहली बार अनफिल्टर्ड चैनल पे, आप लोगों को लगता होगा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन आज पहली बार अनफिल्टर्ड चैनल पे एक असली जर्नलिस्ट वीडियो पे आने वाले हैं जी। मजे करिए भाई, हमने सोचा पॉलिटिकल कंटेंट तो बन रहा है, इलेक्शन के अराउंड कंटेंट भी बना रहे हैं, लेकिन जब सोचा कि यार अब क्या बनाए, तो I just thought, why not spend a day with the real journalist, talk to the person about what they think about this election, and just give you a behind the scene of what happens in a day in the life of a journalist who's on the ground all the time. मुझे तो इनका शो बहुत बढ़िया लगता है भाई, मैं तो पूरे पूरे एपिसोड देख जाता हूँ, मैं इनके मीम्स रील्स भी बहुत शेयर करता हूँ, तो सोचा भाई एक दिन राजीव जी के साथ। पसंद आए तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा, नहीं आए तो टेस्ट बेटर कीजिएगा। अरे भेंट हो ही नहीं पा रही। सर कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल, आई एम अ फैन सर, आई एम अ फैन। अरे थैंक यू। मेरा नाम संदेश, खुद ही इतना आपकी फैन फॉलोइंग है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं सोच रहा था हमारे यहाँ का ये पिछले 60-70-80 सालों का अच्छा मटन का ऐसा, मैं एक्साइटेड हूँ। हाँ मैं एक्साइटेड हूँ। आप खाइए और बताइए कि देश में ऐसा मटन कहीं खाया है। अच्छा ठीक है ठीक है, आइए आइए आइए। मैं ये दिखा रहा था, देखिए ये कबाब इनके यहाँ शामी है तो। हाँ अरे वो शामी कबाब और ये मटन चिकन, और ये 50-60 साल से हमारे यहाँ की बहुत फेमस थी। अच्छा आइए, आपकी शर्ट बहुत बढ़िया लग रही है। नहीं मैं डे वाइज कलर पहनता हूँ। अच्छा, मंडे व्हाइट, आज ट्यूजडे तो रेड, वेडनेसडे हरा, थर्सडे को पीला होता है, थर्सडे में तो पीला ही होता है जी, फ्राइडे पिंक, अच्छा सैटरडे ब्लैक, अच्छा संडे ब्लू, फिक्स्ड है। फिक्स्ड तो इससे क्या होता है, मैं टूर इतना करता हूँ ना, तो 20 दिन का टूर है तो 3-3 रंग की तीनों साथ रखी। शूट की पैकिंग बहुत जरूरी है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं पूरे एपिसोड देख जाता हूँ, मैं ये नहीं कि क्लिप्स बिट्स, मैं पूरे एपिसोड देख जाता हूँ, बहुत मजा आता है। रिकॉग्निशन मिलती है जितनी मिलनी चाहिए, और सिर्फ चैनल में या सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, ओवरऑल जब हम टीवी में गए तो जो भी बड़े टीवी जर्नलिस्ट थे उसमें 80% बड़े घरों के थे, बड़े शहरों के थे, बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के। ओके 80% ठीक है, 20% कॉमन। और ये कब की बात है? 2000 ठीक है, जब आप कुछ अच्छा सोचते, जब आप कुछ अच्छा करते तो वो लोग बोलते थे तुमको टीवी नहीं आता, ज्यादा ज्ञान की बातें मत करो। अच्छा, जिनको टीवी आता था वो भैंस कैसे चढ़ गई सेकंड फ्लोर पे, उस पर लाइव हुआ आधे आधे घंटे। हम लोग ऐसे उसी चैनल में हमने तब भी काम किया। चैनल का नाम क्या था? जो आपकी फर्स्ट नौकरी थी वो कौन सी थी, यही बता दो।
तब तो ई टीवी में था। अच्छा ई टीवी, अच्छा। नहीं जी, जिस वक्त मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, मेन स्ट्रीम चैनल्स, बड़े बड़े चैनल एक एक घंटा इस पे चलाते थे कि बिना ड्राइवर की गाड़ी कैसे चल रही है। बाद में वो दिखाते थे कि ड्राइवर लेट के गाड़ी चला रहा है। एक एक घंटा लाइव हुआ है। पानी नहीं भाई। आपने क्या ऐसा किया जो अभी आप मेरे सो जाते हो? सोच के ऐसे कोई ऑफर नहीं, याद तो नहीं आ रहा, लेकिन उस समय लगता था कि क्या कर, फिर भी कुछ तो एक थोड़ा सा वो लगता है। जब मुंबई में अटैक हुआ था ताज पे, तो मैं जी न्यूज में था, लाइव कर रहा था। अच्छा। उस टाइम हम लोग जो लेट के लाइव कर रहे थे वो बैठ के भी कर सकते थे। अच्छा। ऐसा नहीं था कि गोली बैठने वाले पे लग जाती, लेटने वाले, थोड़ा सा वो इफेक्ट के लिए ऐड किया। लेकिन वो लेटा नहीं, क्योंकि पुलिस वाले बार बार आके कहते थे लेट जाइए। अच्छा। अच्छा, लेटने से ज्यादा सीन भी क्रिएट हो रहा था, एक ड्रामा तो ऐड हो रहा था। कोई था भी नहीं अगल बगल, जैसे वो आज लगता है कि शायद हमने नौटंकी की, लेकिन उस वक्त के लिहाज से तो ठीक है, ठीक है। पर परफॉर्मेटिवली दिखाना भी तो होता है ना, एक ड्रामा ऐड करना जरूरी होता है, या वो लाइन कैसे ट्रेड करते हो आप? भाई बता रहा हूँ, मैं 3 दिन 50 आवर्स विदाउट ब्रेक में वहाँ लाइव किया, क्योंकि जो लोग, जो रिपोर्टर, जो यूनिट जा चुकी थी, उसको रिप्लेस करने के लिए शुरू में रोका था 2-3 दिन के बाद, जब ऑपरेशन थोड़ा, तो मेरा एक दूसरा कलीग जो दिल्ली से हमको रिलीव करने के लिए आया, क्योंकि मुंबई वाले सब बिजी थे, तो उसको बोला ताज होटल, तो वो अपने कैमरामैन के साथ आया, तो रोड से निकलते ही जो पहली जगह उसको दिखाई दी वो वहीं लेट गया। तो मैंने उसको फोन किया कि वो कहाँ है, तो मैं उसके पास पहुंचा, मैंने कहा अब गेटवे ऑफ इंडिया उधर है, वहां से व्यू है, वहां लेट हो। तो उसने कहा 3 दिन से आप लेट रहे हो, तो नहीं था, मैं आते ही लेट गया तो नौटंकी है। ऐसे बात हो रही है, अंदर अटैक चल रहा है। हाँ, गोलियां चल रही है, करें क्या। चलिए, आपकी कौन सी है ये? अच्छा, न्यूज 24 प्रेस। बड़ा बड़ा नहीं छपवाए, माहौल क्या है? नहीं, हम तो कम बजट का शो करते हैं, बिल्कुल कम बजट का। हमारा तो कोई न लाइट है, न कैमरा है, न कोई है, एक कैमरामैन है। कैमरामैन एक ही रहते हैं आपके? बस। कौन है वो? उमेश, पिंक कलर। पिंक कलर कब से है आपके साथ? ये 80-90% शो इसने ही शूट किया, उमेश जी ने। उमेश जी नमस्कार, आज हम आपको शूट करेंगे। तो आइए, चलिए हमारे साथ। चलिए, और क्या, हम तीनों ही इसमें आते हैं। हाँ, उमेश जी आपके साथ आ जाएंगे। कैमरा दिखाइए उमेश जी का, कब से है उमेश जी आप साथ में? कई साल हो गए। 7 साल से ऊपर हो गया सर के साथ। चलिए वहाँ जाके बात करेंगे, शूट के बाद भी आपसे बात करेंगे। ओके, थैंक यू। आइए। चलिए सर, अब जहाँ आप ले जाएंगे। अच्छा, ये है ना, ये सैटेलाइट वाला होता है ना, लिव व्यू, लाइव व्यू, 4G। हाँ, अच्छा, हमने भी सोचा था खरीदने का, लेकिन बहुत महंगा है ना। नहीं, इसको आपकी जरूरत क्या, लाइव तो आपको कुछ। हाँ, लेकिन फिर भी अगर हम बहुत जल्दी एडिट करना चाहें, अभी फुटेज दिल्ली पहुंचाना चाहें, तो उसके 10-20 तरीके हैं। मुझसे आप विदाउट लाइव सोर्स, मैंने 40 दिन डेली शो किया। बताओ कैसे? टेप पहले होता था ना। हाँ। चिप तो होती नहीं थी। ठीक बात है। तो 4 टेप लेके हम गए। हाँ। जयपुर, राजस्थान इलेक्शन की बात है। हाँ। हम भरतपुर गए, हमने शो किया। ठीक है। और शाम को शो खत्म किया शूट करके। हाँ। और वहाँ बस वाले को दे दिया रोडवेज का टेप, उसको 100 रुपये दे दिया, कंडक्टर का नंबर ले लिया, उसको बोला मेरा आदमी जयपुर मिलेगा। जयपुर ऑफिस से सुबह आदमी जाता था, उससे टेप लेता था, मेरी बात कराता था। ऐसे करके मैंने ट्रेन के टीटी को, यार कोच, क्या बंदे हो यार, कोच के अटेंडेंट को, बहुत सही, और रोडवेज के बस के, आप अपना टेप अभी दे दो,
4:30 बजे दिल्ली ट्रेन जा रही है, मैं उसमें दे देता हूँ, अटेंडेंट को 200 रुपए दूंगा, आप अपना आदमी भेज के। पक्की बात है, ये तो बढ़िया है। आप मेरे साथ शूट करने जा रहे हो, अभी 4:15 बज चुके, 6:15 बजे टीवी पे चलेगा ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी का पता। किसी का ऑफिस से फोन भी नहीं आया? नहीं आता नहीं, अब सबको पता है कि अगर ये ठीक होगा तो भेजेगा ही, चलेगा ही। अच्छा, ऐसे ही चलता, सीधे चलना, सीधे चलना। ये शो का आइडिया किसका था, माहौल क्या? हाँ, कैसे आया ये शो? मैं जब फेसबुक पर नया नया आया, बहुत लेट आया मैं। ठीक है, मुझे याद है 2012 के गुजरात के इलेक्शंस थे। हाँ। मैं उधर गया तो मेरा गुजरात का जो कैमरामैन है वहाँ, अब तो नहीं है, उस वक्त तो बोला सर आपकी फेसबुक आईडी किस नाम से है। अच्छा, तो मैंने कहा मेरी तो फेसबुक आईडी है ही नहीं। उसने कहा बनाना चाहिए, ये वो, बहुत लोगों तक पहुँचता है। हमने बनाया तो उसके बाद से जब हम देखने लगे, बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई ये वो, तो जब रिक्वेस्ट आई तो वो उसने कहा सर इतनी आई है, मैंने कहा सब एक्सेप्ट कर लो। अच्छा, हाँ अच्छा, मुझे मालूम नहीं था क्या तरीका होता है, तो शुरुआती दौर में सब एक्सेप्ट कर लिया हमने और वो लंबा हो गया। तो जब मैं पोस्ट देखने लगा, उनकी भाषा, कमेंट में उनका अस्तित्व, मैं सोचता था कि यार ये आदमी तो कभी ऐसा था ही नहीं। एक दूसरा ये कि जो आदमी अपने स्टूडेंट लाइफ में कभी इकॉनमी नहीं लिया, वो भी भारत की गिरती जीडीपी पर लिख रहा है। ठीक है, ये यूपीए जब सरकार थी वही भारत की बात है। हाँ ठीक है, मैं सोचा इतना ज्ञान इन लोगों को कहाँ से आ रहा है यार। हाँ ठीक है, ये स्ट्रेटजिक मामलों में भी लिख रहे हैं, ये सीबीआई की वर्किंग पे भी लिख रहे हैं, ये कहाँ से इनको ज्ञान आ रहा है। ठीक है, जब मैंने सोशल मीडिया पर सबको इतना जानकार बनते देखा तो मुझे लगा कि अगर यही बात माइक पर और कैमरे पर लोगों से उगलवाई जाए तो मजा आएगा। अच्छा, अब आप फेसबुक पे तो जाके नहीं कह सकते कि जीडीपी का फुल फॉर्म बताओ, तो तब तो वो गूगल से खोज के डाल देगा, फिर अगला आप सवाल डालोगे फिर डाल देगा। लेकिन अगर सामने कोई जीडीपी की बात करे और उसका फुल फॉर्म हम पूछे, कोई इकोनॉमी की बात करने लगे, अब जैसे अभी 2 दिन पहले ही मेरा एक वीडियो है, एक आदमी बोलना शुरू किया मैं आपको बताऊं प्रधानमंत्री अगर से लेके तगर तक, और ये 3-4 लाइन बोला, मैंने कहा क्या बोले, अगर कहाँ है अगर से लेकर तगर तक। हाँ, तो फिर मैंने कहा तगर बताओ, तो फिर चुप हो गया, कहीं गांव है तगर। उसे कुछ नहीं पता, कहीं सुना होगा वो जाते लोग। फिर वो गूगल में खोजने लगा, तो मेरे शो में आप देख रहे हैं, मैंने कहा गूगल मत खोजो, चलो फालतू जब जानते नहीं बोलते क्या। कई बार ऐसी लोगों को एक्सपोज करने के लिए शो शुरू हुआ, नहीं जानने के लिए कि वो उन्हें कितना पता है, क्या पता है और क्या सोचते हैं किसी इश्यूज को। आप देखिए अब की बार 400 पार, ठीक है, आप मेरे साथ अगर चलेंगे कोई चलेंगे, मिल गया ऐसा बोलने वाला, उससे सिर्फ पूछ दो बिहार में कितनी सीट कहेगा, ये सब हमको नहीं मालूम भाई, सीट का नहीं मालूम, 400 पार। ये वाला तो मैंने देखा था। हाँ। आप जो ये रोज मैं पूछता हूँ। हाँ, बिल्कुल, और लोगों को सीटें नहीं पता। अरे भाई अगर आप कह रहे हो अब की बार 400 पार, वेल एंड गुड, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप पार्टी के हो गए या सपोर्टर, आपको पता तो होना चाहिए कि बीजेपी एनडीए कितनी सीटों पर लड़ रहा है। सही बात, किस स्टेट में कितनी सीट्स, ये पता लगाने के लिए आपने शो शुरू किया। ये मैं, मेरा बड़ा एक फेमस मजाक उड़ाते हैं लोग मुझसे, लोग क्या उड़ाते हैं, मैंने खुद से ही बताया लोगों को। ठीक है, 2008 में वो क्राइसिस आई थी, बिल्कुल बिल्कुल, डिप्रेशन, तो सारे जो बिजनेस रिपोर्टर्स थे वो फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम को खोज रहे थे पार्लियामेंट में। अच्छा, लकली मैं गेट नंबर 4 के पास खड़ा था, मेरे पास माइक भी थी, मेरे पास कैमरा भी था। अच्छा, लेकिन चिदंबरम जैसे लोगों को देख के ही मैं दूर से ही एकदम, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स का सवाल चिदंबरम से पूछने जितनी औकात क्षमता न तब थी न अब है। ठीक है, तो मैं ऐसे विषयों में जिस पे मुझे जानकारी नहीं है, मैं बिना मतलब के उसमें विशेषज्ञ बनने की कोशिश नहीं, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, भैया इसके पॉइंटर आप ही बता दो। पता ही नहीं तो क्या करें, क्या मतलब। ठीक है, ठीक है, सही है। चिदंबरम साहब निकले, अच्छा गेट नंबर 4 पे थे आप। मैं अकेला रिपोर्टर था, उन्होंने बोला व्हाट्स द प्रॉब्लम, आपसे आगे सीधा बोले, मैं ही खड़ा था। ठीक है, फिर मैंने कहा सर नो प्रॉब्लम, फिर वो गाड़ी में बैठ गए। अच्छा, इतनी देर मैं खड़ा था बगल में और कैमरामैन रोल कर रहा था, मैंने माइक नहीं लगाया था ऐसे,
सारे रिपोर्टर्स दौड़ते हुए तेजी से आ रहे हैं कि लग रहा है बाइट राजीव रंजन की हो गई। बोले यार क्या बोला क्या बोला, हमने कहा किस चीज पे किस चीज पे ये तो बताओ टॉपिक तो बताओ। हम लोग तब से खोज रहे हैं तुमको सवाल पूछे, आपके कौन सा सवाल सर, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट लेफ्ट लाल पेन है। मैंने कहा कौन सा सवाल? अरे यार ये सब पूछना था, ये पूछना तो भैया आप लोग बिजनेस रिपोर्टर हो अपना पूछो, हम लोग मायावती मुलायम लालू यादव यही हमारा मंडल कमंडल, मंडल कमंडल इसी सब में ठीक है। इंटरनेशनल जाने का सोचा? जाया जा सकता है, देखता हूँ यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वही बहुत सही हो जाएगा। मैं यही बोल रहा था आपको, मजेदार हो जाएगा यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को। मैं ऐसा सोचता हूँ कि हिंदुस्तान के पान वाले चाय वाले रेहड़ी वाले को ये समझ में आ जाए कि अमेरिका का राष्ट्रपति चुना कैसे जाता और वहाँ क्या मुद्दे होते हैं। मजा आ जाएगा कि आपने पब्लिकली क्या बोल सकता है व्यक्ति, उसमें कोई मार्क्ड डिफरेंस देखा है या नहीं है? नहीं देखो बात करने पीछे 10 साल में इस सरकार के आने के बाद कुछ हुआ है चाहे नहीं हुआ है, ये हर चीज में डिविजन तो हो ही गया है, तो अब ये बोलने वाले पे भी डिपेंड करता है कि कौन आदमी कहाँ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ हर पब्लिक इमेज वाले आदमी की एक इमेज बन गई है, जो भी पब्लिक लाइफ जी रहा है सबको पेंट कर दिया गया है एक बॉक्स में, कहीं ना कहीं सबको फिट कर दिया था। वो आदमी कहीं उल्टी जगह पर उल्टी बात बोलेगा तो उसको ठीक बात है दिक्कत पेश आएगी, वो वही बोल सकता है जो उसका कंफर्ट जोन है। ये तो सही बोल रहे हैं, इतना तो हुआ है, इतना हुआ एक काम। दूसरे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स हैं न्यूज वाले खासकर, हाँ। ये भी क्लाइंटल देख रहे हैं, सही बात है, ये कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये वाला वीडियो इस तरीके से बोला हुआ वीडियो मेरे क्लाइंट मेरे लोग मुझको ऐसा बोलना सुनना चाहते हैं, सही कह रहे हो। तो जो लोग उनको सुनते हैं वो भी सब काम धाम करके जब घर आते हैं सोने के लिए उनका वीडियो लगा देते हैं, वो सुनते सुनते सो जाते हैं, उनको भी कंटेंट से मतलब नहीं, बस खुश होना है, उनको उन्हीं को सुनना है कि हमारे जैसा कोई सोचने वाला कुछ हमको दे दे, कुछ भी बोल रहा है। नहीं तो इतना एक तरफा प्रलाप करने वाले लोगों को इतना लोग कैसे सुन सकते हैं? और एक तरफा करोगे तो ज्यादा नंबर्स आएंगे, ये तो ये सोशल मीडिया की नेचर में, अगर आप एक इको चैम्बर को कैटर करोगे तो आपके नंबर ज्यादा आएंगे, जल्दी जल्दी बढ़ोतरी होगी। अब देखो फिफ्थ फेज की वोटिंग हो गई, कभी कभी रेंडमली मैं यूट्यूब देखता रहता हूँ तो उसमें तो कुछ यूट्यूबर है तो वो लिखते है मोदी शाह की हवा हुई खराब, पांचवे चरण में हिल गया पत्ता हिल गया साफ। अच्छा मतलब ये कि 50 भी नहीं पा रहे लग रहा। और कुछ तो है जो पांचवे चरण में ही मोदी के कह रहे हैं कि वो अब पांचवे चरण के बाद तो अमेरिका भी मान लिया कि मोदी ही आ रहे हैं, हमें हिंदुस्तान का आदमी कंफ्यूजन में है, अमेरिका वालों को खुद ही नहीं पता कि अगले इलेक्शन में वहां कौन प्रेसिडेंट होगा। सही बोल रहे हो। तो ये जो आजकल बात हो रही है, अगर नहीं करना चाहो तो बता देना कि भाई यही इलेक्शन है, डू और डाई है, या तो लोकतंत्र बचेगा या तो संविधान जाएगा। ये जो इस एक फेज पे या एक टर्म पे या एक प्राइम मिनिस्टर या एक पार्टी पे इतना जोर डाल दिया है कि भाई यही सब खत्म कर देंगे या यही सब विकसित भी कर देंगे, इस क्या आप ट्रैवल करते हुए और अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए ये दो अलग सच्चाइयां होती हैं? क्योंकि जब आप दुनिया में घूम रहे हो तो आपको समझ आ रहा है ना कि भाई ये भी एक फेज ही है बस एक देश का। देखिए ये इलेक्शन है, संदेश। अब राहुल गांधी अखिलेश यादव ये तो नहीं कहेंगे कि राहुल मोदी जी अब आएंगे तो तीसरा टर्म और अच्छा होगा, मैं उनकी बातों का नहीं बोल रहा, पहली बात सोशल मीडिया की नॉइज बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया क्या है, वो वहीं से नैरेटिव लेता है, 400 पार इन्होंने 400 पार तो किस लिए कहा किस लिए नहीं कहा भगवान जाने जी, लेकिन इनके नेताओं ने जो संविधान पार, इनका तो फैशन है बोलने का, 100 पार 150 पार 200 पार ये तो बोलते ही हैं। अब तक इतना ही था, सबसे ज्यादा सीट किसी विधानसभा में भी 543 सीटें नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो सबसे बड़ा इलेक्शन है सबसे ज्यादा सीटें थी, तो इन्होंने सोचा 100 200 300 बोले ही है, इस बार 400 पार बोल देते, 400 तो कहीं है नहीं तो इस बार 400 पार बोल देते हैं, तो कब है?
अब वो जो है वो चार चौपार इतना इनके लिए मुश्किल हो गया जब इनके कुछ नेताओं ने कह दिया संविधान बदलना चाहते हैं या संशोधन कर देंगे या आरक्षण खत्म कर देंगे। वो एक क्लास में तो बहुत अंदर तक बैठ गया, ठीक है, एक वर्ग के दिमाग में, खासकर एससी और एसटी के दिमाग में ये बात आ गई। क्योंकि देखो, हिंदू धर्म से, भगवान श्री राम से इस देश के दलितों और एसटीज को कुछ नहीं मिला, अगर मिला होता तो ये स्थिति नहीं आती, ठीक बात। तो उनको 370 से भी कुछ न मिला, उनको इस सबसे कोई लेना देना, उनको जो कुछ मिला है वो बाबा साहब ने दिया है, उनका भगवान एक ही है, उनको ये लगा कि ओ भाई कहीं ऐसा तो नहीं ये सनातन, ये हिंदू धर्म और ये 400 पार के बाद फिर वही दास्ता की बीड़ियों की जंजीरें, ये नैरेटिव गया है उसमें ऐसा। हाँ हाँ, उसमें गलती विपक्ष की नहीं, सत्ता पक्ष के ही लोगों ने कहा, उन्होंने खुद ही बोला, उनके नेताओं। तो ये मैं नजदीक तक अंदर तक देखता हूँ, ये बात का असर गया और इसने बीजेपी को कहीं ना कहीं इन वोटों में डेंट पहुंचाया। ऑल राइट, ये तो बड़ी बात है, ये तो आप खुद ही ग्राउंड पे निकलते हो, आपको तो पता। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, आप देखिएगा बीएसपी का जो कोर वोटर है वो भी इस बार यूपी में खिसक जाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ। ये क्या करते हैं, ये कभी इंटरव्यू बोलते हैं मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो मैं योग्य न्यू प्राइम मिनिस्टर बनने के, फिर अगले ही दिन क्या स्टेटमेंट देते हैं, मंगलसूत्र भी कर रहे हैं, अगर गढ़ना चाहो, नहीं गढ़ना चाहो तो आई विल एक्सेप्ट इट। पर ये समझ आया आपको, ये किया क्या, क्या किया इन्होंने? देखो, इंटरव्यू में एक सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया, फिर दूसरा सवाल पूछा, ठीक है, अगर उसी में इंटरव्यू में दूसरा सवाल पलट के पूछ देते काउंटर हो जाता है, तो एक तो काउंटर होता ही कहां आजकल। दूसरी बात, नहीं होता, देखो प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू मिले इसी के लिए लोग परेशान रहते हैं, ये भी ठीक है। दूसरी बात है भाई, मैं ये मानता हूँ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहे जो कुछ कह लें, अभी तक के इंडिया के इतिहास में वो याद किस लिए किए जाएंगे, वो याद किए जाएंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, और एक बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हारते नहीं, वो कभी हारा नहीं, सही बात है। तो अब, और आप ये याद रखोगे क्या कि उन्होंने कब कब बयान दिया था, भैंस चुरा ली, मंगलसूत्र चुरा लिया, शमशान कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, ये कोई, हाँ ठीक है आप याद करो, ठीक है, वो तो एक हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव से बात हो गई। आप जब देखते हो रोज तो आपको कैसा लगता है? नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्रधानमंत्री की को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। ओके, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि आप बहुत अच्छा बोली के करोगे, वो उसी तरह है ना कि वो कहते हैं मेरा लड़का बहुत ही शरीफ है, कोई नशा नहीं करता, कोई गंदी आदतें नहीं है, तो क्या करता है, 10th में दूसरी साल है, और कोई कहे कि मेरा लड़का, अरे साला बहुत बदमाश है, वो लड़कियों को परेशान करता है, वो दिन भर फुटबॉल खेलता है, बच्चों को मार देता है, तो क्या करता है, कुछ नहीं, 11th में, तो 10th में क्या किया, 98%, यही चॉइस है अपने पास, नहीं तो वो कहता है तो आप यार, आपका बच्चा इसका मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सब करके भी नंबर ला रहा है, तो भाई पस ये बहुत सही किया आपने। तो उसी बचो हुआ एक शेर है ना, जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, ठीक है, जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। बात खत्म हो गई यहीं पे, यहाँ बात एंड है। जो अभी रिजल्ट आने वाला है, चाहे इनके फेवर में हो चाहे अगेंस्ट हो, जो भी रिजल्ट अभी आने वाला है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये भैंस चुराने, मंगल सूत्र की बात करने का नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उस अब कोई जरूरत नहीं, सोच समझ के ही बोलते होंगे, उन्हें लगता होगा ना फर्क पड़ रहा है। अरे ऐसे वो एक ही फंडा है, आप इतने स्मार्ट आदमी हैं, एक ही फंडा है, क्या है, या आप जातिवाद करो या धर्म की राजनीति करो, यही है बस, 85-15 का गेम है, 15% मुसलमानों के खिलाफ, 85% हिंदुओं को एकजुट कर लो, आप राज करोगे, 15% सवर्णों के खिलाफ, 85% बैकवर्ड एससी एसटी को आप एकजुट कर लो, आप राज करोगे, यही है बस, दिस इज एज सिंपल एज इट गोस, बस मंडल वर्सेस कमंडल। अरविंद केजरीवाल किसके वोटों से जीत रहा है, दलित मुस्लिम, मतलब चाहे जो भी आइडियलिस्टिक बन के आए पॉलिटिक्स में, इसी में बंधना पड़ता है, पढ़ना है, वोट इन्हीं पे है। सही है, इजी गेम है।
वोट उन पे हाँ आपको उसमें थोड़ा वो करना पड़ेगा, कुछ योजनाएं लाना पड़ेगा. केजरीवाल ने बिजली पानी कर दी गरीब लोगों को कर दिया. हाँ. तो वो एक गरीबों का एक अलग वोट बैंक हो गया. मुस्लिम कहीं जाने के नहीं, दलितों को जोड़ लिया. नहीं तो आपको मालूम है कि बीएसपी की कभी दिल्ली में 13-13 सीटें होती थी असेंबली में. असेंबली में कम लोगों को याद होगा. आपने कहां से पढ़ाई की जर्नलिज्म की? आईएमसी से बीजेएमसी. अच्छा, उसके बाद बीजेएमसी एक दिन का. ये कौन सा होता है? एडमिशन लिया, फर्स्ट डे गया, उसी दिन आईएएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, वो क्रैक कर दिया, वो छोड़ दिया. प्रीलिम्स क्रैक हो गया फिर? तो ना बीजेएमसी किया ना आईएएस क्वालिफाई किया. मेंस नहीं निकला? मेंस चारों नहीं निकला. चार बार? चार से पार, चार बार. आईएएस नहीं निकला उसके बाद? आईएएस नहीं निकला, फिर ईटीवी में. अच्छा, ये कौन से सन की बात है? 2002. तो मुझे फोन आया, उन दिनों था मेरे पास मोबाइल, फोन आया कि आपका सिलेक्शन रिटर्न हो गया, आप इंटरव्यू देने के लिए. मैंने कहा आज फर्स्ट है, दोपहर, यही टाइम था, दोपहर का टाइम है, और फोर्थ को 10 बजे हैदराबाद में इंटरव्यू. अब बताइए मैं इलाहाबाद से हैदराबाद कैसे जाऊंगा? मेरा एक फ्रेंड है लखनऊ में, तो मैं उसके पहले जहाज में बैठा नहीं था. हम लोग आजमगढ़ से इलाहाबाद, लखनऊ, ये सब ट्रेन पर. तो मैंने उस फ्रेंड को फोन किया, तो उसने फ्लाइट का टिकट करा दिया. अच्छा. फ्लाइट में मैं बैठा था, ब्रेकफास्ट के टाइम जो मेरे को पैसेंजर थे उनसे मैंने पूछा, को फ्लायर, मैंने उनसे पूछा कि सर ये एयरपोर्ट से रामोजी राव कितनी दूर है स्टूडियो? उन्होंने कहा है कोई एक घंटे का सफ़र. क्यों? मैंने कहा सर वहीं जाना है. तो उन्होंने पूछा वहाँ क्यों जाना है? मैंने कहा सर इंटरव्यू है. तो बोले किस चीज़ का? तो मैंने कहा ईटीवी के रिपोर्टर का. तो उन्होंने कहा उसकी तो सैलरी 5200 है. मैंने कहा जी. बोले ये जहाज का फेयर तो 6500 है. ठीक है. तो 5200 की नौकरी के लिए तुम 65, अभी एनके सर हैं अभी. अच्छा, एनके सर थे वो? हाँ, एनके सर. अच्छा. तो मैंने कहा, वो बोले 5200 की नौकरी के लिए 6500 के जहाज से तुम जा रहे हो? मैंने कहा सर मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ, मैं तो मुझे मालूम है इस टीवी वाले जुगाड़ वालों को रखते हैं, और 3 दिन पहले मुझे बताया था, ये तो सब मेरे फ्रेंड्स चंदा चुंदी लगा के मेरा टिकट करा दिए, मैं जा रहा हूँ, मुझे मालूम मेरा होगा नहीं. तो उनको लगा ये कैसा लड़का है. फिर जब हम उतरे तो वो बोले कि आओ तुम मेरी गाड़ी में साथ चलो. अच्छा. फिर उन्होंने ड्राइवर से कहा तुम मंजारा हिल्स ले चलो. मैंने कहा चलो कुछ नहीं साला, हैदराबाद का मंजारा हिल्स कैसी? पहले मंजारा हिल्स गए? हाँ. तो मैंने कहा मंजारा हिल्स देखते, बड़ा नाम सुने कैसा है, लोकेलिटी देखते. तो बंजारा हिल्स में उस वक्त रामोजी फिल्म सिटी के जीएम बैठते थे. अच्छा. तो वो जीएम साहब के घर गए मिलने के लिए. फिर उन्होंने 20 मिनट बाद ड्राइवर से बोला कि इस लड़के को तुम लेके चलो, हम जीएम साहब की गाड़ी से आ रहे हैं. तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि भैया ये कौन आदमी है यार? तब तक कोई जान पहचान नहीं होती. ठीक है. बोले ये एनके सिंह है, ईटीवी के ब्यूरो चीफ है. हमने कहा ये क्या करने आए? कहे आज इंटरव्यू है, इंटरव्यू लेने आए. भाई साहब ये क्या कोइंसिडेंस है भाई. जब वहां पहुंचा सब कम उम्र के लड़के थे, मैं सबसे ज्यादा उम्र का मैं ही था. अच्छा. और वो सब एंकरिंग के लिए आए थे, तो पुते भी थे. अच्छा. मेकअप में तो वहां जाते ही मैं आप सादे ऐसे ही? हाँ. मैंने सोचा यार मुझे कहाँ रखेंगे, तो सारा मैं सबसे ज्यादा उम्र का आदमी. ठीक है ठीक है ठीक है. मुझे कुछ मालूम ही नहीं था, मैंने कोई कोर्स भी नहीं किया था. अच्छा. उन्होंने इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें पूछी एकेडमिक, मैंने उन्हें सब बता दी एक सवाल को छोड़ के. तो बाद में वो बोले आज का लास्ट इंटरव्यू था. तो खड़ा हुआ मैं, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, बोले दिल्ली आके ज्वाइन कर लो. मैं आके ज्वाइन कर लिया. मणिपुर गए आप वायलेंस के बाद से? नहीं, मैं जाना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला कि वहाँ फोर्सेस और ये सिक्योरिटी फोर्सेस जहाँ तक कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं, जहाँ तक परमिशन देते हैं, आपको उतनी ही दूर शूट करना है. आप बियॉन्ड उसके नहीं जा सकते, और उसके अलावा रिस्क ही बहुत है. और फोर्सेस में भी डिवीजन हो गया बहुत बहुत बहुत. मैंने सोचा कहीं मिलना जाना कुछ है नहीं.
और ठीक से आप रिपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है मैं वही रिपोर्ट करना चाहता हूँ जिसमें कोई मिलावट ना हो। ठीक बात है, वो करने बात तो है। आप मेरे साथ जा रहे हैं, बहुत लोग शो करते हैं, ऑलरेडी बुलाए लोग खड़े रहते हैं वहाँ, बीस वो उस जिले का स्टिंगर, हाँ भैया आज मेरे चैनल का ना वो फला एंकर आ रही है, वो शो तो देखते होंगे, हाँ आ जाइएगा 7 बजे से शूट है। अच्छा ये होता है, सात सपा वाले आ गए, सात बसपा वाले आ गए, सात उस रिपोर्टर का दोस्त, ताकि मेहनत करना ही ना पड़े, लोग पहले से ही हो, एंकर आए पहले शूट होके, एंकर तो तैयार होके होटल से निकलता है 10 मिनट पहले 20 मिनट पहले, मेकअप हुआ रहता है, मेकअप हुआ रहता है एकदम, एंट्री आप देखिए उनकी कैसी होती है, पहले से वहाँ मजमा 100-200 लोग इकट्ठा होते हैं, हमारे में लोग का तो हमको पता ही नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक बात है, और आपका मेकअप वाला तो दिखाई नहीं मुझे, अब हमारे पे मेकअप हो के भी क्या करेंगे। और हमारे साथ एक कंपल्शन हो, हाँ। हमारा डेली का शो है, ये बात ठीक है, इंटरनेट अब हम मणिपुर को एक्सप्लोर करने के चक्कर में एक हफ्ता जाएं 10 दिन और हमारे चैनल पे 10 दिन शो सफर करें। 4 जून के बाद का सोच लिया क्या करना है? हाँ 4 जून के बाद सोच लिया क्या करना है। अब मैं रूरल इंडिया में गांव की प्रॉब्लम्स को दिखाऊंगा। ओके 20-25 गांव के लोगों की समस्याएं मुझे पता है, मैं उन्हीं में से 2-4 सोच रहा हूँ ऐसा। बहुत बढ़िया आइडिया, 2-4 की शुरू करता हूँ, मैं उस गांव की क्या प्रॉब्लम है बताइए। एक गांव के लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, पूरी दुनिया में होगा उस गाँव में मोबाइल का टावर ही नहीं आता, अब बताइए आज के दौर में, वो कह रहे भैया हमारे यहाँ नेट नहीं चलता, वाईफाई नहीं चलता, हमारे यहाँ बच्चे को नहीं पढ़ पा रहे, हम यूट्यूब नहीं देख पा रहे, हम फेसबुक नहीं चला पा रहे। तो अगर ये प्रोग्राम मतलब जब तक मैं शूट नहीं करता तब तक वहां नेटवर्क नहीं पहुंचा। मैंने सोचा कि यार ऐसे तो हो चुका काम, रोज सबका बातचीत सुनाते सुनाते कुछ लोगों की समस्याओं का समाधान भी दो। बहुत सही बात है, कुछ और ये शहरों के लोगों की आवाज तो हर तरफ पहुंच जाती है, खुद ही पहुंचा देते हैं गांव वाले। अभी मुझे एक गांव के लोगों ने बताया, मैंने खुद आंखों से देखा, गांव इस साइड है स्कूल उस साइड है, गांव इस साइड है मार्केट उस साइड है, और बीच में रेल की पटरी है जिसपे हर 2 मिनट पे ट्रेन जा रही है, बच्चे स्कूल जाए तो कट जाए, और इतनी दूर पे है 500 मीटर की दूरी पे, उसके लिए बच्चों को 2.5 किलोमीटर या तो बस से जाना पड़ता है या साइकिल चला के जाना पड़ता है, बस रेलवे का एक अंडरपास बन जाता है, हाँ, या फुट ओवर ब्रिज जो भी, फुट ओवर ब्रिज बन जाता है। कुछ बहुत मेजर बदलाव देखा आपने इतने पिछले 15-20 सालों में रूरल लाइफ में या एग्रीकल्चर एज ए प्रोफेशन में, क्योंकि कोई बहुत कोई ड्रास्टिक चेंज? एग्रीकल्चर एज ए प्रोफेशन तो बहुत नीचे चला गया, डिजास्टर चल रहा है अभी मेरे हिसाब से। गांव में विकास इसलिए हुआ कि गांव से लोग अब बाहर चले गए, पलायन कर रहे हैं, गांव बाहर से पैसे गांव में आ रहे हैं, तो लोगों का जीवन स्तर, वो लोग जिनके घर के लोग सिर्फ खेती पर हैं और गांव में ही रह गए, उनकी स्थिति मजदूरों से भी खराब है। खेती एज ए प्रोफेशन बिल्कुल खत्म, खेती एज ए प्रोफेशन उसी की अच्छी है जिसको बाहर से पैसा, बाहर से फंडिंग, जिसकी फैमिली के लोग बाहर हैं, 3 लोग अच्छा कर रहे हैं, और बाहर भी कोई अच्छी नौकरी, ये नहीं कि जो बाहर आके मजदूरी करके जो सोसाइटी का चौकीदार बन गया, जो मजदूरी कर रहा है, वो तो चौकीदार इसलिए बन गया 20 बीघे की खेती वो कर नहीं पा रहा है, और 20 बीघे की खेती करके वो साल के 1 लाख रुपए नहीं बचा पा रहा है, तो यहाँ आके मजदूरी कर रहा है, तो 15,000 का चौकीदार बनने में ठीक है, कम से कम वो 5-6 हजार रुपए में नोएडा में शेयरिंग में रूम लेकर के 4-5 हजार में 4 लोग रह रहे हैं, खाना खुद से बना ले रहे हैं, तो 10 हजार महीने घर भेज दे रहा है। कहीं किसी स्टेट में आपको दिखा है कि भाई किसान की लाइफ ऊपर गई हो, या और ऊपर भी नहीं, कहीं जहां नीचे नहीं जा रही हो, जहां डिक्लाइन ना हो रहा हो? हर जगह वही है, जिसके घर लोग बाहर में है पैसे भेज रहे हैं, और जो गांव में खेती करा रहा है उसको अलग अलग मौकों पे अलग अलग तरह की मदद मिल रही है, वो तो सरवाइव कर जा रहा है, उसका ठीक है, उसका खेती भी ठीक है, जिसका खेती से ही पढ़ाई लिखाई दवाई शादी विवाह बीमार आराम है, वो तो नीचे ही जा रहा है। होता ये है कि 10-5 साल बाद वो खेती का एक टुकड़ा उसको बेचना पड़ता है, यही है इवेंचुअलिटी आज की डेट पूरे देश में। तो वो जो कम से कम एक वो जो बात थी कि फार्म इनकम डबल और फार्मर की लाइफ बेटर, वो तो एकदम ही
फार्मर की डबल इनकम करनी थी और 2500 रुपए थमाए जा रहे हैं उसको कि तुम चुप रहो और खुश रहो। अपने आप में एक इतनी बड़ी बात, 17 रुपए रोज उसको दिए जा रहे हैं जिसकी कमाई दोगुनी करने की बात है। अब तो शायद 2 बंडल बीड़ी आती है 17 रुपए। नहीं, लेफ्ट लेफ्ट ही जाना पड़ेगा लग रहा है। ये रास्ता ही है। अच्छा, रास्ता ही वही है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर किसी की भी प्रायोरिटी दिखती है आपको? देखो, एग्रीकल्चर में कोई नियम कानून तो है नहीं। नेताओं ने और सरकारों ने सिर्फ किसानों के नाम पे ये किया है कि कभी ये कर्जे माफ, कभी बिजली माफ, यही कर माफ ही हो रहा है कुछ, कर्जे माफ, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग तो कुछ भी नहीं हो रही है। अब मोदी जी ने एक प्रयोग तो किया था, आया इतने सालों के बाद एक कानून तो लाया कम से कम। अच्छा बुरा तो तब होता जब वो लागू होता। अब वो इतने उनकी उस सरकार की भी क्या मजबूरियां थी कि कोरोना काल में उसको ऑर्डिनेंस ला के लागू किया। और जब विरोध हुआ तो किसान संगठनों के साथ 15 बार की बातचीत की, यही 5वीं बार बातचीत करके लाए होते। ठीक बात है, बातचीत करनी थी पहले कर लेते। 1.5 साल तक किसानों को बैठा दिया बॉर्डर पे। तो मुझे लगता है कृषि कानूनों में कुछ बदलाव तो आने चाहिए। देखिए, जिन पे पूंजी है उन पे जमीन नहीं है, जिन पे जमीन है उन पे पूंजी नहीं है। दोनों मिलेगी तभी उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। कोई गाना सुनाते हो आप? पेट्रियोटिक, पेट्रियोटिक गाना सुना दो एक, मुझे याद ही नहीं है। प्रीत जहां की रीत सदा, कुछ कर दो ना मुझे याद। अरे यार, अगली लाइन नहीं, प्लीज ना राजीव जी, थोड़ा सा कर दो। आज याद ही नहीं मैं गाऊं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, कुछ तो आता होगा। चक दे इंडिया, कुछ तो गाते होगे यार, कुछ तो गा दो। मुझे गाने नहीं आते यार। ऐसा गेस्ट मिल जाए आपको जो आपसे कोऑपरेट ही ना करे, तो इंटरव्यू मजा आएगा आपको। नहीं, कोऑपरेट करने के लिए क्या करें, नाचने लगे आपके तो थोड़ा नाच के दिखाओ। जब नहीं आता, मैंने कहा गाना गा दो एक। हमारा टाइम हो रहा है। अच्छा, ये आप गाना गवा रहे हैं, हमारा बाजा बज जाएगा। टॉपिक चेंज, क्या आ गया क्या खुशी? आने वाला है, एक मिनट रुकना भाई। माहौल क्या है? रुका रुका, आवत है, रुको जी रुको, शूट शुरू भाई, शूट शुरू। नमस्कार, माहौल क्या है, मैं आज 6वें चरण के लोकसभा सीट घोसी में आ गया हूँ। आज मैं नदवा सराय मार्केट में हूँ और घोसी लोकसभा की कई ग्रामीण बाजार में, गांव के बाजारों में और गांव में ग्रामीण लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ। कहना हो तो हाँ बताइए, क्या नाम है तुम्हारा? अरे लालू चौहान। तो क्या है चुनाव का माहौल है घोसी चुनाव में? तो हम लोगों को कुछ पता नहीं, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं। कहाँ गाँव? तो बम्बई में रहते हैं, यहाँ कभी गिने चुने आ जाते हैं यहाँ। अरे यार, तो ऐसे पूछा था इनसे कि चुनौवा में राजू राय का मामला ठीक चला था कि राजभर का? राजू राय निकल जाए। हाँ, राजू राय यहाँ से निकल जाए। तुम्हार का नाम? सुरेंद्र चौहान। तो चौहान हो के मतलब का? तो चौहान तो कुल बीजेपी में दारा सिंह चौहान की वजह से कहा तुम लोग। दारा सिंह चौहान दल बदलू ना हो, सीट छोड़ के दोबारा चुनाव कर ले, जनता पाल की ना आयल। अभी तो 50,000 से हार गई ना। अब हरबत कर, यहाँ भीड़ लगना शुरू हो रहा है, लग जाएगा भीड़। अरे रहा है वो, आ रहा है, उधर निकल गए यहाँ से। इधर आ जाओ भैया, क्यों है इसमें इधर उधर कर रहे हो? इधर खड़े हो जाओ, क्राउड को कंट्रोल कर। आ जाओ भाई, ऐसे ट्रैफिक में रोक दिए, बढ़िया। ये तो बड़ी टफ एनवायरनमेंट है शूट करने की। दिखाइए कैमरा पर्सन तरीन कैसे भीड़ लग जाती है ट्रैफिक के बीच में। असली जर्नलिस्ट जो है कैसे प्रोसेस अपना फॉलो करते हैं। लड़का रोड पर घूम रहे हैं, बेरोजगारी चल रही है, लड़कों को नौकरी चाहिए। चलो ठीक है, अब जरा मैं थोड़ा कुछ और लोगों से राह चलते लो। चचा, क्या हाल चाल है? आदाब, जाने आए घोसी का क्या मिजाज है चुनाव का?
समाजवादी पार्टी का टिकट है इसमें जातीय समीकरण को ज्यादा ध्यान में रखा गया इसी के नाम पे चुनाव हो रहा है और रोजगार और ज्यादातर जातीयता तो ये धार्मिक समीकरण पर भारी पड़ रहा है नहीं धार्मिक तो भेल हो गया क्यों हिंदुस्तान में कोई भी चुनाव हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं हो रहा है वर्तमान पहले तो हुआ पहले हुआ होगा लेकिन आज का जो वर्तमान है वो कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे चुनाव नहीं हो रहा अरे तो कहीं यहाँ से बैठ के कहा लगा था मोदी जी सरकार बना पाइए कि ना मोदी जी तो भाई अब 400 पार कहले हमें देखा क्या होता है आगे निकलत है कि ना निकलत है नहीं नहीं 400 पार कहले हमें भाई तो क्या लगा था 400 पार हो जी अरे भाई का दिन कहे जब जीत जाले तो लोग कहला ये मो खराब हो गया लाई हो गया यो तो होला बदवा में तो ईवीएमओ से जीतिएगा अब कहा जानी ईवीएमओ में हो कि पहले ही भरल ले लो यो होला चलिए अब मैं थोड़ा दूसरे बाजार में चलता हूँ इसी तरह के ग्रामीण इलाके में लोगों के बीच से पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और इस सीट पर ओम प्रकाश राजभर को ये सीट दिए जाने के बाद माहौल क्या चाचा कुछ बताइए क्या इसे बताएं अरे उनसे बात कर लिए यार आप बताओ अच्छा नमोत बताओ कुछ नहीं हम बताएं चलिए कहीं चलते हम बता रहे अरे क्या है एक फोटो ले लीजिए जल्दी करो अब शूट शुरू हो गया ना आपका हाँ यार ये इतना ट्रैफिक जाम लग के कुछ भी मतलब आपको फर्क नहीं पड़ रहा यू आर डूइंग इट ना कुछ नहीं तो मैं ऐसे ही कर लूँ ये इसकी यूएसपी है अब हमारे साथ चले जो पहली मार्केट आई इस कॉन्स्टिट्यूंसी की हम वहाँ रुके अब ये दूसरी मार्केट आने वाली है हम वहाँ रुके हम तीसरी मार्केट आएगी वहाँ रुकेंगे चौथी मार्केट ये सब गांव की मार्केट है देखिए चौथी मार्केट आई थिंक घोसी होगी और वहीं प्रोग्राम एंड हो जाएगा खत्म फिनिश और ये जो अभी फुटेज ये अभी चला जाएगा कैसे होगा नहीं अभी थोड़ी एक ये करीब हमारे हिसाब से 13-14 मिनट का अच्छा ये कंटेंट अभी शूट हुआ है 13-14 मिनट हाँ। जब 20-22 मिनट का हो जाता है तो हम भेज देते हैं अच्छा तो वो सेफ हो जाता है मतलब 6:15 से ऑन एयर होता है ठीक है धीरे-धीरे बहुत धीरे धीरे चलाओ 6:15 से ऑन एयर होगा हाँ। तो 6:35 तक का काम हो गया अच्छा फिर मैं 5-5, 10-10 मिनट भेजते रहूंगा पहले 22 मिनट सही होगा हाँ पहले 20-22 मिनट का एक चंक पहला भेजता हूँ ठीक और देखो 5-10 हो गया बस होने ही वाला है नहीं अभी तो 1/4 हुआ 42 अभी 10-15 मिनट और शूट करके भेज दोगे 45 मिनट का शो है ना पहले 25 तो भेज दोगे ना तो अभी तो 12-13 मिनट हुआ होगा मेरे चैनल पे आज पहली बार इस वीडियो में कोई असली जर्नलिस्ट दिखेगा ऐसा नहीं है सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं नहीं नहीं क्योंकि पहली बार मैं किसी जर्नलिस्ट का इंटरव्यू ले रहा हूँ यू आर द फर्स्ट अनस्क्रिप्टेड पे एक बार रवीश का लिया था हाँ पर वो तो दूसरा चैनल था बड़े आदमी है बड़े पत्रकार है यही लेफ्ट में रोकना भैया रेडी अब देखो हमें ये पता है हाँ। हमारी आंखें ये बता देती हैं कि ये पीछे जो पान की दुकान है ये राइट हैंड साइड इधर ये इस पे बैठे सब वायरल कैरेक्टर हैं वायरल भले ना हो लेकिन इन्हें हो सकता है यहाँ की राजनीति ज्यादा ना पता हो लेकिन शरद पवार की लालू की और रैलियों की और इक्वेशंस की सही है तो अब मैं जरा शूट करके आता हूँ आप गाड़ी में बैठे रहिए चलिए गाड़ी में क्या बैठना है हम देखेंगे मैं दूसरे गांव में आ गया हूँ ग्रामीण इलाके की एक मार्केट है कुछ लोग पान की दुकान पे यहीं से शुरुआत करते हैं और घोसी लोकसभा सीट इस बात की सबसे दिलचस्प बैठो यार चाचा तुम भी यार शो बिगाड़ रहे हो बैठो ना बैठा कहाँ घर है आपका यही भिखारीपुर मार्केट है तो हम जानने के लिए आए राजी राज जीते तो कि ओम प्रकाश राजभर के लेकर अब देखिए यहाँ तो मामला विस्तार चल रहा है हाँ। अब ये नहीं कि माने कोई आ रहे लोग लेकिन कहीं कहीं लोग जा रहे हैं हाँ। यहाँ तो भाई वैसे मामला साफ चल रहा है हाँ।
आप बोलो तुमको क्या बोलना, बहुत भाई हाथ टूटा है जी, प्लास्टर नहीं लगवाए? अच्छा हाँ बोलो। ये बोल रहे हैं सर ना सकी कि बीजेपी ही रहे, मोदी जो काम किए हैं वो कहीं नहीं कर पाया है। हम लोग जय श्री राम वाले आदमी हैं। अखिलेश नाथ ने कुछ नहीं किया, अखिलेश नाथ मुलायम सिंह यादव क्या किए हैं? मुलायम सिंह यादव यही किए हैं, हिंदू कटवाए हैं, हिंदू कटवाते हैं। पी लियो क्या दारू? पी करके आ रहे हो टीवी में बोलने? समझे आप पर देर से समझे। अरे वो जब रेस हुआ था ठीक है ऐसे भी मिल जाते हैं, ये भी मिल जाता पिया हुआ। चलो आपको शोर वाले कैरेक्टर नहीं पसंद, आपको शांति से बात? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो बात नहीं करते हैं। क्योंकि ये भी तो एक इजी ट्रैप है जिसमें आप फंस सकते हो, कि जो शोर मच रहा है, दो लोगों में लड़ाई हो गई तो वो भी अच्छा कंटेंट है। वो दूसरे लोग करते हैं, मेरे में आप शोर करेंगे बंद, शूट नहीं, लड़ाई ही नहीं करनी है। बिल्कुल तेज आवाज में किसी ने बात की, मेरा शूट बंद, कट दूसरी जगह। अच्छा ये सिद्धांत है? हाँ बिल्कुल, एक से एक आदमी से एक आदमी। ये कैरेक्टर लेकिन आपको फैसिनेटिंग नहीं लगा जो शराब पी के आया था? देखिए वो बोल सही नहीं रहा था ना, गाली हाँ। गलौज की भाषा हाँ। अगर बोलेगा ठीक बात है, उल्टी पर तो पर मजेदार कंटेंट नहीं मिलता इससे? नहीं वो मुझे वो वाला मजा नहीं चाहिए आपको? नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके वो क्लियर हुआ। देख के भाई मेरा शो 12 साल 14 साल के बच्चे भी देखते हैं, ठीक बात, 60 साल की महिला भी देखती है, 80 साल के महिलाएं देखती हैं, फैमिली शो है मेरा। तहरीम आज तो टेस्ट हो गया आपका है? हाँ बहुत आज तहरीम का टेस्ट हुआ है, पूरा गाड़ी में इंटरव्यू हो रहा है, वही वन कैमरा। और स्विचिंग कहाँ करेंगे समझ, स्विचिंग तो ऑप्शन ही नहीं। और अगर अगर शेक हुआ कैमरा में, जो कि होगा वो तो भाई स्वाभाविक है, चलो चलो ऑडियंस देख ले हमारी, देख लेना भाई क्या हो गया। हाँ बोल, ठीक है कितना 42:43 ठीक है ठीक, पॉपअप दे रहा हूँ। अब पॉपअप लिखेंगे? हाँ क्या लिखेंगे आज क्या लिख रहे? मैंने इसमें 5 पॉपअप लिखा। हाँ जी आइए। पूर्वांचल में बीजेपी को फिर झटका, बीजेपी ले लेगी 2019 का बदला। अरे वाह, इस इलाके में 2019 में हार गई। हाँ ठीक है ठीक है। तीसरा है बीजेपी के गठबंधन दलों की सीट कमजोर या मजबूत, ये चूंकि राजभर की है बीजेपी की सीट। ठीक है। चौथी बीएसपी पूर्वांचल में किसका नुकसान करेगी, क्योंकि बीएसपी यहाँ ट्रायंगुलर फाइट। ठीक है। माहौल क्या है? आप लोग आए, अच्छा लगा? ये इलाका आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है बहुत। एक बार मैंने 2.5 साल पहले मैंने एक शो शुरू किया था जिसका नाम है भारत एक खोज, इनसाइड अ विलेज, मतलब अ डे इन द विलेज दिखाता हूँ। तो उसमें एक मैंने चंदौली से किया था, चंदौली गांव का नाम भूल गया पर अच्छा। चंदौली जिले से किया एकदम, वो तो 1850s का गांव था, वो 2000 वो 21वीं सदी थी नहीं। और आपने सही बोला ना, पर्सपेक्टिव आपका वाइडन होता है, हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है। हाँ, आप नम्र बनते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और आपके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, लोगों को आप स्वीकार करते हैं जो जैसा है वैसा, आप अपने साँचे में सामने वाले को ढालना नहीं चाहते। करेक्ट। अब देखिए ये तीसरी मार्केट में आ गए हम, यही लेफ्ट स्टॉप जहाँ लिखा है यही लगाना गाड़ी। ये हुई बात, कैसे शर्ट पैंट पहन के कर लेते हैं भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा रिलैक्स होना मांगता है यार। फुटवेयर भी टाइट टाइट सा है कि नहीं? आइए चचा इधर आइए। क्या हुकुम है, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। क्या नाम है आपका? कन्हैया है। हाँ कन्हैया लाल सुनकर। अरे हम तो आ जाए घोसी ये जानने के लिए कि माहौल क्या है चुनाव का। भाई ये सब मामले में हम नहीं कुछ बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे, हम जान रहे हैं ना हम क्यों नहीं बोल पाएंगे। आप जान भी रहे हैं कि क्यों नहीं बोल पाएंगे? नहीं नहीं हम नथिंग कुछ नहीं। डर लगता है यार? नहीं डर क्या है, हम लोग को क्या डर है, तब डर बोलने में नहीं।
अभी सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, ये मुद्दा मेन है। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ी कुछ और जगह पर आपको ले चलता हूँ। आइए भाई, आइए आइए। यूनिक एक्सपीरियंस है, एक एंकर को अपना काम करने देखना एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। ले आओ, जल्दी ले आओ। He's looking at the footage now, I think. वो थोड़ा रिव्यू करेंगे क्योंकि अब उन्हें आई थिंक भेजना है। फुटेज ट्रांसफर हो रहा है, 20-25 मिनट शूट करके फुटेज ट्रांसफर की जाती है स्टूडियो में, है कि नहीं, और उसके बाद और 20 मिनट शूट होगा। भाई अभी मैं टाइम बताऊं तुम लोगों को, 5:53 हो रहा है, ये 6:10 पे टीवी पे जाना है और अभी पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ है। 20-25 मिनट जो है, सुन रहे हैं ना अंकल, 20-25 मिनट अभी शूट हुआ है, वो जाना है और 20 मिनट और शूट होना है अभी, और अभी ट्रांसफ़र हो रहा है। अभी ये रुक गए हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है और फिर पहुँच जाएगा, वहाँ एडिट होगा। अच्छा, अब चालू हो गया है यार? नहीं, अभी 6:10 पे चालू होगा, अभी भेज रहे हैं। देख रहे हैं कितना मेहनत का काम है। नहीं नहीं, सही, वो खुद कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई प्रोड्यूसर है, खुद कर रहे हैं। और फिर अब 20 मिनट और शूट करेंगे किसी और बाजार में, फिर जाएगा। आपका नमुआ क्या है? हमारा नमुआ संदीश है जी, संदीश भाटिया। आपको हम देखे हैं यूट्यूब पे, देखे होंगे जी, आते हैं हम कभी कभी, हम भी आते हैं। कितना, 30 मिनट हो गया? 1172 में लास्ट वाला पीछे से देखिएगा, जो तीसरा आदमी है वो एक जगह बोला कि बीजेपी का कुत्ता भी खड़ा है, कुत्ता आटा दिए हो, पीछे से देखना, तीसरा आदमी होगा उसको एडिट कर दीजिएगा। 5:47 हो रहा है, 6:10 पे ऑन एयर। तो आप लोगों को प्रेशर फील नहीं होता है? नहीं, ये तो डेली का है, क्या प्रेशर फील होगा, डेली करना है। 200-300 किलोमीटर जर्निंग है, एक जिले से दूसरे जिले आने जाना होता है, तो बढ़िया भाई, प्रेशर तो रहता है, लेट होता है, प्रेशर रहता है। सबसे ज़्यादा ऐसे क्राउडेड इलाके में जब शूट करें तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ध्यान रखते हो आप? पब्लिक का ध्यान रखना पड़ता है, पब्लिक इधर से उधर आती जाती है, कई बार कैमरे में आ जाती है, कई बार लोग झड़प भी करने लगते हैं, कई चीज़ें होता है फेस करने। आप कितने साल से हो इनके साथ? सर के साथ मैं 5-6 साल से हूँ। हमेशा ऐसे ही लास्ट मोमेंट पर शूट होता है? नहीं, वो डिपेंड करता है जर्निंग के ऊपर, हमारी जर्निंग ज़्यादा रहती है तो ठीक है। क्या राज पूछ रहे हो? सारे राज पूछ लूँगा। भाई इनका शो 6 मिनट में शुरू है, अभी इन्होंने पूरी फुटेज का शुरू की, जो 20-25 मिनट की फुटेज है वो अभी भेज रहे हैं, 6 मिनट में इनका शो शुरू है, थोड़ी माइनर एडिटिंग भी होनी है। ये भाई टीवी का प्रेशर, ये है टीवी का कंटेंट, ये होता है जब रोज़ रोज़ आपको एक शो बनाना हो। तो देखिए, आप गाँव खेड़े के बाजार के बीच एक साइकिल का ठेला पकड़ते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ रखते हैं, लाइव व्यू रखते हैं, कैमरा रखते हैं, और यहाँ से मऊ जिले से आप नोएडा तक फुटेज ऐसे भेजते हैं, समझ रहे हैं भाई? जो जानते हैं इनको, जो जानते हैं राजीव रंजन को, जो जानते हैं माहौल क्या है वो, उनको तो देखो मज़ा आने ही वाला है, और जो लेकिन नहीं जानते हैं वो भी देख लेंगे भाई। एक जर्नलिस्ट जिसको रोज़ शो बनाना होता है, उसकी जद्दोजहद, उसका प्रोसेस, उसके अराउंड बातचीत आखिर दिखती कैसी है, तो भाई अनफिल्टर्ड पे पहली बार एक असली जर्नलिस्ट आपके लिए। आइए ऐसे ज़ूम कर दे, जब मैं बोला ना एक असली जर्नलिस्ट आपके लिए, आइए ऐसे ज़ूम कर। एक मैन मेड पंखा दिखाओ, ऐसे करो ना, वो बढ़िया लग रहा था, पंखा करो ना, दिखाओ ना, अरे दिखाओ यार, अरे यार तुम भी शर्मा रहे हो यार, अरे दिखा दे यार, करना, चलो हम साथ में करते हैं, करना आइए करना। लोकल मेड पंखा दिखा रहे हैं हम, यार तुम शर्मा रहे हो। और बताओ क्या चल रहा है यूपी में? हम नहीं बता, ये इलेक्शन चल रहा है अंकल, बताइए। नो कमेंट भाई, नो कमेंट, हटाइए हटाइए, उन्हीं पे फोकस कीजिए, ऐसे ज़ूम। ये आ गया है जो अभी गया था यार, कैमरा पे ज़्यादा दिखता है, क्या बात है, हम तो लाइव देखे हैं, हम तो लाइव देख रहे दो बार। बारह चौबीस देखिए मिला, रखो यार जल्दी, और एपिसोड शूट होना है यार।
नहीं, इनका स्ट्रेस है, देखो ना कितने स्ट्रेस में टीम काम कर रही है। यार तुम अपना देखो और क्या, आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे। चाचा रुको, यही एक मिनट रुको चाचा, आइए रुकिए चाचा करो। हेलो सुमित, अरे लाइव रिकॉर्ड करो, आज लेट हो गया थोड़ा यार, लाइव रिकॉर्ड करो। हाँ 1 2 3 लाइव लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। तो घोसी लोकसभा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट इस मायने में भी है कि पिछली बार सपा बसपा गठबंधन की तरफ से अतुल राय यहाँ जीत कामयाब हुए थे, लेकिन वो एक ऐसे सांसद चुने गए जिन्होंने लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा ही नहीं लिया। दिखाइए कैमरा पर जोर से, दिखाइए जी, अब जानते हैं हमेशा जानते हो, दिखाइए। चाचा आपका नाम क्या है? सही बात हो, सही। मैं कह रहा हूँ कि छड़ी पे वोट नहीं दिया जाएगा, हम लोग सपा को वोट देंगे इस बार। गाली सुनेंगे दे करके जीत भी जाएगा तो उल्टी सीधी बात बोलेगा। एक नंबर बात। अरे एक बार, बहुत बार एक तो आप बीजेपी, अरे यार प्लीज यार, ये ताली क्यों बजाते हो, रैली है क्या यार? अच्छा आपको क्या लग रहा है यहाँ लड़ाई किसके किसके में? देखिए जो जैसा करेगा वो वही जीतेगा। हमारे हिसाब से जो है कि इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। इंडिया, हाँ बीजेपी जो छड़ी है भाई, छड़ी एनडीए। ताली क्यों बजाते हो? ताली नहीं बजाते, इसको अच्छा नहीं माना जाता ताली बजाना। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही, अगले एपिसोड में पूर्वांचल के किसी और सीट से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, News 24 घोसी मऊ। हो गया पूरा, हो गया ना, इन आउट कर दिया, डन डन। आज का एपिसोड डन, आज का एपिसोड डन। अभी मैं देख रहा 13,000 लोग लाइव देख रहे थे, नहीं 20 16 चल रहा है, 20,000 तक देखते हैं। आज का खत्म, आज का काम खत्म, नौकरी खत्म, शो खत्म। तो अब क्या पार्टी? नहीं पार्टी तो नहीं करते अब, शो खत्म। तो सबसे पहले अब मैं अपना माहौल क्या, एक यूट्यूब चैनल भी है हाँ, अब उसके लिए कोई कंटेंट सोचूंगा। अच्छा उसमें अलग कंटेंट जाता है? उसमें ये नहीं जाता। अच्छा मेरे साथ आप रहेंगे हाँ, तो यूपी बिहार एमपी राजस्थान इन इलाकों के सारी फेमस जगह खाने पीने की मुझे पता है। ये हुई ना बात, जैसे देखिए ये एक ब्रेड पकौड़ा वाला है हाँ। ये जितना भी ब्रेड पकौड़ा निकालता है जितना भी, वो तुरंत उसी समय बिक जाता है। देखिए जब तक वो आता है तब तक ये आप खाइए ना, आप खाइए हाँ, लीजिए एक और आ गया। अच्छा जब मनोज वाजपेयी बोले कि मैं आपका रोल करना चाहता हूँ तो कैसा फील हुआ? नहीं मैं तो शॉक्ड रह गया, मैं मतलब मैं समझ ही नहीं आया क्या बोल। एक मजा तो आया होगा? नहीं मतलब अनएक्सपेक्टेड, और मैं खुद ही मनोज वाजपेयी को इतना टैलेंटेड, इतना इंप्रेस्ड रहता हूँ हाँ। पर बड़ी बात है ऐसा व्यक्ति आपको बोलेगी भाई मैं हाँ, हमारी उनकी कोई जान पहचान नहीं थी, मूल बात मेन बात ये हाँ, उन्होंने रेकग्नाइज किया, हम कभी मिले नहीं थे हाँ। वो हमारा नाम भी शायद नहीं जानते थे, मगर चेहरे से पहचानते थे कि ये आदमी शो ओके, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम भी नहीं लिया, बोला ये इनको मानक जो हमारे कलीग है उन्होंने नाम लिया कि राजीव रंजन का हाँ हाँ। माहौल क्या है, एक गाँव में मैं गया था, एक छोटा सा बच्चा 6th का था हरियाणा में, तो मुझको देखते ही बोला माहौल क्या है वाला तू है ना, अच्छा बोलता है तू अच्छा बोलते हो यहाँ पे बोल दीजिए एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, और सब्सक्राइब करने को बोल दीजिए लोगों को अनफिल्टर्ड बाय संदीश को। बहुत ही शानदार दिन आज संदीश और उनकी टीम के साथ। गाना नहीं सुना है हालांकि राजीव जी ने, मुझे शिकायत रहेगी। एक गाना यहाँ हो जाए लाउडली, एक लाउडली गाना हो जाए प्लीज। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। वाह बहुत बढ़िया यार, अब बताइए तो आप संदीप भाटिया, संदीश भाटिया, संदीश वही तो बोला, संदीश संदीश जी, संदीश भाटिया के साथ और उनकी टीम के साथ मैंने आज काफी वक्त गुजारा, बहुत अच्छा भी लगा सच में, मजा आया और बहुत मजा आया।
आपने देखा ही हमने क्या खाया और क्या खिलाया और इनके साथ पूरा वक्त अच्छा गुजरा। मेरा इंटरव्यू करने के लिए दिल्ली से आए, इसलिए इनके और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, और आप सभी दर्शकों को जो मेरा कार्यक्रम देखते हैं और समदीश का नहीं देखते तो भी ज्यादा से ज्यादा ये क्या किया आपने, समदीश का नहीं देखते तो भी मेरा और आपका, अच्छा अच्छा ठीक है, देखते हैं तो भी नहीं देखते हैं तो भी इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और इनके कंटेंट को आप बाकी जो यूट्यूबर है, बाकी लोग जो कंटेंट क्रिएटर है उनसे बहुत बेटर एनरिच। वाओ, ये हुई ना, यही तो बोलना था, इसी की तो पेमेंट हुई थी इसी की तो पेमेंट दिया हमने आपको। वो कहाँ गई वो न्यूज 24 को दिया ना हमने, आपको नहीं पता चला? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई काम है, ये इस तरह की मजाक बातें करते रहते हैं जी। बहरहाल ये दे दे तो बहुत अच्छा है। थैंक यू राजा जी, थैंक यू, थैंक यू, आपने इतनी ऑनेस्टी से बात की, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। चलिए भाई।